आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू के लिए विकसित किए जा रहे रिफ्यूलिंग प्रोब के बारे में। दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ दशक में सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात करें जो कि साइंटिफिक डेवलपमेंट हैं, तो उसमें तेजस प्रोग्राम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि भारत ने शुरू से इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया और आज हमारे पास एक उन्नत प्लेटफॉर्म है। अन्य संदेह ये प्लेटफॉर्म आगे चल के और भी ज़्यादा एडवांस होने वाला है। यहाँ पर भारत ने बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को विकसित किया, उनका इस्तेमाल भी किया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में हमारे जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये हमें एक सुपीरियर एयर सुपीरियरिटी प्रदान करेंगे अगर हम खुद को इनमें से कंपेयर करें तो। अगर आप तेजस के इनिशियल बैचेस पर नज़र डालें जो कि IOC कॉन्फ़िगरेशन के हैं, तो उसमें आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप इनको कंपेयर करें FOC स्टैंडर्ड के तेजस से। और वो डिफरेंस ये है कि इसमें आपको कोई भी जो रिफ्यूलिंग प्रोब है वो IOC कॉन्फ़िगरेशन में देखने को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट हवा में ईंधन भरने की क्षमता से पूर्ण नहीं है। लेकिन FOC कॉन्फ़िगरेशन में आपको फिक्स रिफ्यूलिंग प्रोब देखने को मिलेंगे जो कि इन एयरक्राफ्ट के नोज कोन के पास यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अब अगर हम FOC तेजस की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोब इस्तेमाल किया जा रहा है वो UK स्थित एक कंपनी जिसका नाम कोबम है उसके द्वारा बनाया जाता है और सप्लाई किया जाता है। यानी ये प्रोब अभी इंडिजिनसली हम नहीं बना पाए हैं, लेकिन अब क्योंकि इसमें फिक्स रिफ्यूलिंग प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अपने कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि ये एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक्स और रेडार क्रॉस सेक्शन में फ़र्क डालते हैं और भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट में भी फिक्स रिफ्यूलिंग प्रोब का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट ये है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय ये प्लान कर रही है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम में जो फिक्स रिफ्यूलिंग प्रोब हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए, बल्कि इसके लिए एक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब बनाया जाए। और हमने आपको डिफेंस न्यूज़ के माध्यम से अवगत करवाया था कि 23 जून को DRDO की एक मीटिंग होने वाली थी जो कि इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ थी, जहां पर इस मामले को डिस्कस किया जाना था। दरअसल इस समय DRDO अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जिसको हम TDF प्रोग्राम भी कहते हैं, उसके आधार पे एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू कर चुका है, जहां पर DRDO के द्वारा रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब की बात कही गई है, जिनका निर्माण तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए किया जाना है और इसको लेकर के कुछ डिस्क्रिप्शन भी सामने आए हैं। आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तेजस मार्क टू प्रोग्राम को मॉडर्न फ्यूल सिस्टम के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया गया है ताकि ये ऑपरेशनल और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इसे रिट्रैक्टेबल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। जो सिस्टम इसमें अडॉप्ट किया जाएगा तेजस मार्क टू में, उसमें टेलीस्कोपिक प्रोब और ड्रोक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा और इसके डेवलपमेंट के लिए बाकायदा DRDO ने अपनी कमर भी कस ली है। 23 जून को एक मीटिंग आयोजित करी गई थी जहां पर RFI इंटरेक्शन हुआ था और इस दौरान जो हमारे इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स और स्टार्टअप्स थे वो उस मीटिंग का हिस्सा थे और DRDO ने ना सिर्फ प्रोब की बात करी है बल्कि इजेक्शन सीट्स और दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिनको इंडिजनाइज किया जाना है, उस पर भी बात हुई है। सबसे खास बात यहाँ पर ये रहती है, जैसे ही तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए ये रिट्रैक्टेबल प्रोब बनके तैयार हो जाएगा तो इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो भी काफ़ी कम होगा और इसकी जो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। एक बार जब ये टेक्नोलॉजी विकसित कर ली जाएगी तो इसका इस्तेमाल सिर्फ तेजस मार्क टू तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इन रिट्रैक्टेबल प्रोब का इस्तेमाल जैसे ही टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाती है तो फिर इसका इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk1 और Mk2 में भी होता दिखाई पड़ेगा। इवन भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर्स में भी आपको ये जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा। और इसीलिए हम शुरुआत से कह रहे हैं कि तेजस प्रोग्राम जो है ये भारतीय वायुसेना के लिए और भारत के जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो लगातार इम्प्रूवमेंट हो रही हैं उसका सीधा फर्क हमारे फ्यूचर के फाइटर जेट प्रोग्राम में भी हमें देखने को मिल रहा है। अब IOC में हमें कोई भी रिफ्यूलिंग प्रोब देखने को नहीं मिला और अगर FOC तेजस मार्क 1 की बात करें तो उसमें हमें फिक्स रिफ्यूलिंग प्रोब देखने को मिलेगा और तेजस मार्क 2 में हमें रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब देखने को मिलेगा। यानी लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिन अच्छी खबरों से भरे हुए थे, क्योंकि तेजस मार्क 2 को लेकर के जो डराने वाले आर्टिकल सामने आ रहे थे जहाँ पर डिले की बात की जा रही थी वो सारी जो खबरें हैं वो खारिज हो चुकी हैं और जेट इंजन डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन कर लिया गया है
8 इंजन भारत को मिल चुके हैं जिनका इस्तेमाल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में किया जाएगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि 3 वर्ष के अंदर जो पहला स्वदेशी इंजन है, यानी जिस इंजन का निर्माण भारत में किया जाना है, वो भारतीय वायुसेना या यूं कह ले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलना शुरू हो जाएगा। इन इंजन निर्माण की जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बेंगलुरु डिवीजन के पास होगी और भारत में वही इनका इंजन निर्माण करने वाले हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि इनिशियली 99 इंजन भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में जब एमका मार्क 1 और टेरबिया प्रोग्राम वास्तविकता का रूप लेते दिखाई पड़ेंगे तो उसमें जो संख्या है वो 500 के आसपास भी पहुंच सकती है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि वर्ष 2012 में भारत और अमेरिका के बीच में जब आम सहमति बनी थी तो वहाँ पर अमेरिका सिर्फ 58% ही TOT ऑफर करने के लिए तैयार था, लेकिन अब ये TOT 80% से ऊपर हो चुकी है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ऑर्डर बढ़े रहे और लंबे समय तक काम हुआ तो इसकी जो फुल TOT है वो भी भारत को मिल सकती है, इसमें कोई हमें यहाँ पर संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है ये कैपेबल इंजन है और इंजन्स के बारे में ऑलरेडी हमने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें ऑफर हुई हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं ऑफर हुई हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से जान गए होंगे। अगर हम तेजस मार्क 2 के स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आती हैं। तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि सुपरसोनिक फाइटर होगा और इसे 4.5 प्लस जनरेशन की श्रेणी में रखा गया है, यानी ये नियर फिफ्थ जन फाइटर होगा जो कि एडवांस एवियोनिक्स और वेपन्स के साथ हमें देखने को मिलेगा। ये लॉन्ग रेंज और हाई एंड्योरेंस के साथ में आएगा। इसमें एडवांस सिस्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्मार्ट ग्लास कॉकपिट हो गया, ये हमें देखने को मिलेगा। इसके जो नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी। वहीं इसमें आपको एडवांस ASR रडार देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट देखने को मिलेगा और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, UEWS देखने को मिलेगा और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी आपको अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है। ये एक काफ़ी कैपेबल प्लेटफॉर्म होगा तेजस मार्क 1 की तुलना में। यह हम बात करें सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में तो तेजस मार्क 2 को सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो तकरीबन 17.5 टन होगा और ये 11 हार्ड पॉइंट्स के साथ में आएगा और अपने साथ ये 6.5 टन के जो पेलोड्स हैं उनको कैरी कर सकेगा। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 3.3 टन की होगी। अगर आप इसे मिराज 2000 से कंपेयर करते हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है, तो उनकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है तकरीबन 17 टन का। वो 9 हार्ड पॉइंट्स के साथ में आते हैं और अपने साथ 6.2 टन के जो पेलोड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है, यानी कि ये अपने कैटेगरी के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट की तुलना में आधुनिक तो होने ही वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से विकसित किया गया है, इंडियन एयरफोर्स की देखरेख में विकसित किया गया है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि जितना अच्छा रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर पाएगा वो विदेशी फाइटर्स की बस की बाहर की बात है। साथ ही साथ हमने आपको दोपहर की वीडियो में ये भी बताया है कि इस समय तेजस को पूरी तरीके से स्वदेशी करने का जो प्रयास है वो शुरू किया गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं अभी हम जो इजेक्शन सीट इस्तेमाल करते हैं वो मार्टिन बेकर के द्वारा बनाई जाती है, जबकि रिफ्यूलिंग प्रोब जो हम इस्तेमाल करते हैं पहले ये भी हम कोवम से इम्पोर्ट करते हैं जो कि ब्रिटिश कंपनी है। और हम सबको अच्छे से पता है कि भारत में इन सारे पार्ट्स को इंडिजनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा 23 जून को DRDO की एक मीटिंग आयोजित करेगा कि कैसे इन सारे पार्ट्स को हम स्वदेशी तौर पर विकसित कर सकते हैं, जिससे कि इन फाइटर्स को हम पूर्णतया 100% स्वदेशी कर लें, क्योंकि भारत इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है कि आने वाले एक दशक के अंदर तेजस प्रोग्राम को पूरी तरीके से हम स्वदेशी कर लेंगे। खैर, अगर हम प्रोब की बात करें तो अभी एमका के लिए जो रिट्रैक्टेबल प्रोब है उसको लेकर के बातचीत करी जाएगी, उसके बाद जो इजेक्शन सीट्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा और आने वाले समय में हम ये देखेंगे एक दशक के अंदर कि जो तेजस प्लेटफॉर्म है ये 100% इंडिजिनस हो सकते हैं। खैर, बिना इंडिजिनस जेट इंजन के ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार की प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है हमें संभावना है कि एक दशक के अंदर या थोड़ा टाइम और लग सकता है बल्कि भारत अपना खुद का जो जेट इंजन है वो भी बना लेगा।